एक मशहूर पास्टर मार्टिन निमोलेन ने कहा था आज से लगभग 80 साल कबल, फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशलिस्ट, देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, देन दे केम फॉर द ज्यूज एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ ज्यू, देन फाइनली They came for me and there was no one to speak for me. Yeah. Sir, exactly वही माहौल हो रहा है सर, और इससे हमें बचना होगा. आखिर में सर कंक्लूड करने के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो बिल लाया गया है मुसलमानों को जेल करने का नया तरीका है. ये या तो टेररिस्ट करार सही पहले सर. सर ये मैं कंक्लूड, सर ये जो कानून लाके मुसलमानों को जेल, सर प्लीज प्लीज नाउ कंक्लूड. ओके ओके टाइम इज अलॉटेड अकॉर्डिंग टू बीएससी. 5 मिनट्स आप दे रहे हैं मुझे. मुसलमानों को जेल भेजने के लिए नया कानून बनाया सर, या तो टेररिस्ट घोषणा करके अंदर कर दो, या तबरेज के तरह लिंच करके मार दो, या नहीं तो 3 लफ्जों में उसको जेल भिजवा दो. 3 बार तलाक बोलो और 3 साल के लिए अंदर कर दो. ये चाहती है सरकार. चलिए और कितने नए तरीके निकालेगी मुसलमानों को श्रीमती बर्बाद करने के लिए. देयरफॉर आई अपोज दिस बिल एंड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर हु कम्स फ्रॉम पटना माई स्टेट टू सेंड दिस बिल टू द स्टैंडिंग कमिटी फॉर रिव्यू एंड मेक लॉज For separated women of all communities, not just Muslim, जिसके तादाद सर इन्होंने बताया 345 मुसलमानों को तलाक में इन्होंने बताया कि अभी जजमेंट के बाद 345 353 लोग 345 मुसलमान औरतों के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं. ये अपीजमेंट है. ये बदनाम हमें कांग्रेसियों को बदनाम करते हैं कि हम मुसलमान का अपीजमेंट करते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि असल अपीजमेंट ये मुसलमान औरतों का करना चाहते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है. इनकी नीयत बिल्कुल जैसा हमने कहा कि इनकी नीयत है कि जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको किस तरह कुचल के उनको एक किनारे में ठेला जाए और ताकि इनकी हुकूमत ठीक से चल सके. मैं इस बिल को अपोज करता हूं सर. बहुत बहुत शुक्रिया.